नमस्ते दोस्तों, मानसून का मौसम जैसे ही आता है हमारे गार्डन में एक नई ताजगी और हरियाली छा जाती है। यह समय है जब प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रंगों को दिखाती है। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे सुंदर फूलों के बारे में जो मानसून में खिलते हैं और आपके गार्डन को एक नया रूप देते हैं। तो चलिए जानते हैं मानसून में खिलने वाले इन अद्भुत फूलों के बारे में। चमेली। चमेली के सफेद सुगंधित फूल मानसून के मौसम में खिलकर आपके गार्डन में एक मधुर खुशबू बिखेरते हैं। यह पौधा बरसात के मौसम में अच्छी तरह से बढ़ता है और कम देखभाल में भी फूल देता है। गुलाब। गुलाब का पौधा हर मौसम में खास होता है, लेकिन मानसून में यह और भी खिल उठता है। इसकी विभिन्न रंगों की पंखुड़ियां और खुशबू इसे आपके गार्डन का सबसे खास फूल बनाती है। हिबिस्कस। हिबिस्कस जिसे गुड़हल भी कहा जाता है, मानसून के मौसम में बड़े और खूबसूरत फूल देता है। यह पौधा गहरे हरे पत्तों के साथ लाल, गुलाबी और पीले रंग के फूलों से सजा होता है। बोगनवेलिया। बोगनवेलिया का पौधा मानसून में झूम उठता है। इसके चमकीले और रंग बिरंगे फूल आपके गार्डन को एक खास आकर्षण देते हैं। यह पौधा कम देखभाल में भी बहुत सारे फूल देता है। लोटस। लोटस के फूल मानसून में खासकर खिलते हैं। यह हमारे भारतीय संस्कृति का भी प्रतीक है और इसके खूबसूरत गुलाबी और सफेद फूल मानसून के पानी में खिलते हुए बेहद सुंदर लगते हैं। डहलिया। डहलिया के फूल अपने रंग बिरंगे और बड़े आकार के कारण जाने जाते हैं। मानसून में यह पौधा अपने सबसे खूबसूरत रूप में होता है और इसके फूल आपके गार्डन में रंगों की बहार ले आते हैं। कैना। कैना का पौधा मानसून में बहुत तेजी से बढ़ता है और इसके बड़े बड़े लाल और नारंगी रंग के फूल आपके गार्डन को एक ट्रॉपिकल लुक देते हैं। जीनिया। जीनिया के फूल भी मानसून के मौसम में अच्छे से खिलते हैं। यह पौधा अपने चमकीले रंगों और लंबे समय तक खिलने की क्षमता के लिए जाना जाता है। जीनिया आपके गार्डन में खुशियों के रंग भर देगा। पेरिविंकल। पेरिविंकल जिसे सदाबहार भी कहते हैं, मानसून के दौरान लगातार खिलता रहता है। इसके फूल गुलाबी, सफेद और बैंगनी रंग के होते हैं और यह पौधा कम देखभाल में भी अच्छी तरह से बढ़ता है। तो दोस्तों, ये थे मानसून के मौसम में खिलने वाले कुछ सबसे सुंदर फूल जो आपके गार्डन को एक नया जीवन और रंगों से भर देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।